आज आपके लिए पांच पिक्चर्स हैं, जो आप इनमें सबसे पहले देखते हो वही आपकी मेंटल स्टेट के बारे में बताएंगी। मैंने आपके लिए क्यूब टेस्ट तैयार किया है, जो कि सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड के सिग्नल को पकड़ता है। यह टेस्ट एक सिंबल पर आधारित है। आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल अटेंशन देनी है अपनी, ध्यान से इमेज को देखना और जब आपको सबसे पहले दिखे वही इमेज को बताना। एक अच्छा टाइम है अपने बारे में जानने के लिए। नंबर 5, इस पिक्चर से शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले क्या दिखा, फेस या फिस? वैसे तो आपने दोनों इमेजेस को देखा होगा, जरा सोचिए कि सबसे पहले आपने कौन सी देखी। चलिए अब मैं बताता हूँ, अगर आपने फेस देखा है तो इसका मतलब आप बहुत ही सोशल हो, आपको बातचीत करना पसंद है, उसके साथ क्यूरियस भी हो, आपके वो नई चीज़ें के बारे में जानना अच्छा लगता है, लोगों की ज़िंदगी के बारे में। आप एक यूनिक पर्सन हो और बहुत इंटरेस्टिंग भी हो, और आप खुद को साफ साफ दिखाते हो क्योंकि आप अपने अंदर कमाल की कम्युनिकेशन स्किल से अपनी बड़ी पिक्चर पर ध्यान दिया है, ना कि छोटी पर, क्योंकि आपको अननेसरी चीज़ों पर ध्यान देना अच्छा नहीं लगता। जो भी हो, ये आपके नेचर में है कि आप एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज़ करते हो, मतलब आप अपनी दिमाग की शक्तियों को इस्तेमाल करते हो हर चीज़ के लिए, ताकि अपने दिन के किसी भी टास्क को पूरा कर सको। आप ब्राइट थिंकर हो, कोई पहेली हो या फिर रिडल आप आसानी से क्रैक कर देते हो, आपको इसको इंजॉय मज़ा आता है, आप इसको एक इंजॉय के तरीके से लेते हो और आप इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी निकाल लेते हो। आप अपनी सिचुएशन को सॉल्व करते हो, ना कि उससे पीछे हटने से। अगर आपने दो ही मछली को देखा है, इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो। और अगर आप अपने भाग्य पर यकीन करते हैं, अगर आप फ्यूचर में कोई प्रयास नहीं करेंगे तो आपको निराशा ही मिलेगी। अगर कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलता है तो आप कैसे ना कैसे उसको मैनेज कर ही लेते हैं। आप पहले भरे हुए गिलास को लेंगे, ना कि आधे भरे हुए गिलास को। आपके लिए कोई भी डिटेल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी पहचान है, जिसकी वजह से पूरी इमेज भी, इसलिए आपने उस छोटी सी इमेज को देखा। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और इम्प्रूव हो, छोटी छोटी चीज़ों में प्रोग्रेस करने से। आप क्रिएटिव हो और हमेशा आइडिया से भरे हुए रहते हो, जिन्हें आप हकीकत में बदलना चाहते हो। आप छोटे छोटे चेंजेस से नहीं डरते हो और आप ये देखना चाहते हो कि फ्यूचर ने आपके लिए क्या रख रखा है। नंबर 4, चाबी या क्राइंग फिगर? चलिए इस पर नज़र डालते हैं। आपने कौन सी इमेज पहले देखी है? अगर पहले आपने की होल को देखा है, चाबी को देखा है, इसका मतलब आप एक शिकारी हो जो कठिन चीज़ों पर ध्यान देता है। इसका मतलब आप एक क्यूरियस हो जो अपनी लाइफ और अपने दोस्तों गाइस के बारे में उनकी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आप इससे डरते नहीं हो, बल्कि आप एक्साइटेड रहते हो, और यह भी दर्शाता है कि आप जिसमें इंटरेस्ट लेते हो उसकी पर्सनैलिटी वजह से लेते हो, और आपको उस पर थोड़ा बहुत शक भी होता है। अच्छा यही रहेगा कि आप उस व्यक्ति से बातचीत करें, उसे बताएं कि आप उसे दोस्ती रखना चाहते हैं या नहीं। ओवरऑल कुल मिला के यह है कि आप नई नई चीज़ों को खोजना अच्छा लगता है और आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे कहीं घूमने जाने का प्लान हो। अगर आपने क्राइंग इमेज को देखा है, इसका मतलब आप खुद के इमोशंस के बारे में नहीं जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप उदास हैं या किसी ने धोखा दिया है, अकेले हैं या फिर गुस्से में हैं, तो एक अच्छा साइन नहीं है। ज़रूरत है आपको ज़्यादा ध्यान देने की अपने जज्बातों पर, आप खुद की सुनो, और पर थोड़ा समय चाहिए रिलैक्स होने के लिए। अपने दिमाग में उन सारी प्रॉब्लम्स को निकाल दीजिए जिन परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं। कोशिश करें अपनी लाइफ को एक नया नज़रिया देखें और आप क्या अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा समय लीजिए जो आपको पसंद है, क्योंकि वही आपको खुश भी रख सकता है और आप बवल बात भी ले सकते हैं। अभी आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है ताकि आप अपने मूड को ठीक कर सकें, वापिस आइए हैप्पी इमोशन की स्टेट में। नंबर 3, दरवाज़ा खुल रहा है या म्यूजिक का साइन? दोनों में सबसे पहले आपने कौन सा देखा है? अब वक्त है अपने रहस्यों को देखने के लिए। अगर आपने खुलता हुआ दरवाज़ा देखा है, इसका मतलब आप बदलने के लिए तैयार हैं और आप महसूस करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आप सही डिसीजन भी ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास चीज़ें लिमिटेड भी हैं। आप अपने लिए जागरूक हो कि भविष्य में आपके लिए किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। आप रेडी हो एक बड़ा स्टेप लेने के लिए लाइफ के नए चैप्टर में। आप बिना किसी डर के फ्यूचर को फेस करने के लिए तैयार हो, पूरी तरह एक्साइटेड हो, और नए लोगों से मिलने के लिए भी जगह जगह पर घूमने के लिए तैयार हैं। स्टार्ट करो आप अपने एडवेंचर को और अच्छी यादें बनाओ, जैसे कि बेस जंपिंग। आपके यही स्पिरिट, यही जोश देख के और भी लोग आपसे इंस्पायर होंगे
आपकी तरह ही वो भी काम करेंगे, और आप वही करें जिसमें आपका दिल करे। ट्राई करें अपनी स्टेट ऑफ माइंड को लॉन्ग रन में ले जाने के लिए। अगर आपने म्यूजिकल नोट देखा है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि खुद को दिखाने के लिए, चाहे वो कोई क्रिएटिव तरीका हो या म्यूजिक से जुड़े रहना या फिर एक्टिंग करना या फिर ड्राइंग, वो भी आर्ट हो, यह महसूस कराता है कि आपके पास कुछ तो है इस दुनिया से शेयर करने के लिए। इसलिए आगे बढ़ो, क्योंकि आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है किस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। इस वक्त आप ऐसे चीज़ों को ढूंढ रहे हो जो आपको प्रेरणा दे कि दुनिया के नए कलर्स को देखने के लिए। जस्ट अपने दिल को खोलिए नई चीज़ों के लिए और आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। नंबर 2, कॉलम्स या लोग, चलिए इस पर नज़र डालते हैं। इसमें आपने सबसे पहले क्या देखा, अगर आपने कॉलम्स देखे इसका मतलब आप अपने कंफर्ट जोन में से छोड़ना नहीं अच्छा लगता, आपको डर लगता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा और लोग क्या कहेंगे, दुनिया की वर्ल्ड क्या कहेगा। जो खुद के लिए लिमिट बना रखी है ना, जैसे इसको नहीं कर सकता, उनको रोकिए, क्योंकि आप उस काम को आसानी से कर सकते हैं। ये बार खुद को मौका दें प्रूव करने के लिए। कॉलम्स का मतलब है आप ज़्यादा सपने देखते हैं और रोमांटिक भी हैं, ज़्यादातर शर्माते हैं और आप खुद में भी अच्छा फील करते हैं। आप इंट्रोवर्ट पर्सन हो जो लोगों को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देते हैं। आपको इसमें से बाहर निकलना चाहिए। आप डिजर्व करते हैं कि लोग आपको पहचाने। यस, आप कर सकते हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आपका अपना विजन है, आपका एक अपना सपना ही है कि आपके लिए परफेक्ट क्या लाइफ है, या आपको कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या करें इन चीज़ों को आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब आप कुछ करते हो ज़्यादा मत सोचे, क्योंकि आप उसमें देरी कर दोगे। आप सेंसिटिव हो और दयालु भी हो जो दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहता है। आप सोशियबल हो जो नए लोगों से मिलना या उनसे नए कनेक्शन बनाना अच्छा लगता है। आप ही असली खुशी हो दूसरे लोगों को महसूस कराते हो। आप जितनी खुशी लोगों को देते हो आपको उतनी ही खुशी वापस भी मिलती है। नंबर 1, मैन या वोमेन, आपको क्या दिखा है। मैन या वोमेन, ये आपकी इमोशंस की स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। अगर आपने वोमेन को देखा है इसका मतलब आप रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, या फिर आपको ऐसे पार्टनर की तलाश है जो आप इस चीज़ को एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए सीरियस भी हो। अगर आप पहले से रिलेशन में हो तो इसका मतलब आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन में। आपको अपने रिलेशनशिप पर गर्व है, आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट बना हुआ है दोनों के बीच में, इससे आप दोनों को एक स्पेशल बॉन्ड महसूस होता है। अगर आपने मैन को देखा है तो आपको ज़्यादातर चिंताएँ रहती है किसी प्रॉब्लम की, और आप अप्रिशिएट भी करते हैं किसी फीमेल की ब्यूटी को। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के चमचे हैं या फिर आप वूमेन की रेस्पेक्ट कर से शुरू होते, नहीं, ये कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर कोई डिजर्व करता है, अगर कोई लड़की डिजर्व करती है तो आप उसको मतलब बताते हो, उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो कि हाँ वाकई में वो अच्छी लग रही है। आप यही चाहते हो ना कि आप जो महसूस करते हो वही सामने वाला महसूस करे, तो कोई बात नहीं, आप डरे नहीं और उसको हिंट दे के समझाएं। क्या पता शायद वो भी यही चाहती हो, आपको लगता है कि भला मुझे कोई क्यों पसंद करेगा, पर दोस्त ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करें।